दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद ने क्यों दिया इस्तीफा? खुद आम आदमी पार्टी ने किया खुलासा, वजह जानकर चौंक उठेंगे आप। बात सबको मालूम है कि नवंबर में उनके यहाँ पे और उनके सहयोगियों के यहाँ छापा पड़ा। 23 घंटे तक ईडी उनके घर में रही, उनसे पूछताछ करती रही। उसके बाद लगातार ईडी के द्वारा उनको सम्मन देके बुलाया जा रहा था। काफ़ी दबाव में थे, परेशान रहते थे, अक्सर कहते थे कि यार मैं जैसे ही एक्टिव होता हूँ फ़ोन आ जाता है और फिर से मेरे को वापस आना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि हमें राजकुमार आनंद जी से कोई नफरत नहीं है, कोई गिला नहीं है, सिर्फ ये है कि एक परिवार वाला आदमी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं। मुझे लगता है कि वो दबाव में ज़्यादा आ गए, वे डर गए, और ये दबाव भारतीय जनता पार्टी की ईडी लगातार हमारे लोगों पर डाल रही है। ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल जब ईडी के सम्मनों पे नहीं जाते थे तो वो यही कहते थे, मेरे को एग्जामिन करना ईडी का मकसद नहीं है, ईडी का मकसद है अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से गिरफ्तार किया जाए, उनके पीछे से उनके विधायकों को, उनके लोगों को तोड़ा जाए, पार्टी को खत्म किया जाए और दो सरकारें दिल्ली और पंजाब की गिराई जाए। आज वो चीज़ साबित होती दिख रही है, क्योंकि हमारे कई विधायकों को आप देखते हैं गाहे बिगाहे ईडी, इनकम टैक्स या तो छापे मार रही है उनके यहाँ या उनको बुला रही है। हमारे पार्टी के नेताओं को लगातार जो है दबाव डाला जा रहा है, ये सबके सामने है। लेकिन उन्होंने कई आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि अपनी मंत्रियों की कॉर्नर मीटिंग होती है, वहां नहीं बुलाया जाता है, कई ऐसे आरोप लगाए। अब देखिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आज की तारीख में 2:42 पे संजय सिंह जी का ट्वीट उन्होंने किया है अपने ट्विटर हैंडल से, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। अब तक के इतिहास में मुझे नहीं मालूम दिल्ली में कभी अनरिजर्व्ड सीट पे रिजर्व्ड कैंडिडेट दिया हो। हमने ईस्ट दिल्ली से दलित समाज के कैंडिडेट को उतारा है, ये जानते हुए कि लोग कहेंगे कि ये क्या किया, मगर हमने उतारा है। हमें लगता है कि नहीं, ये पार्टी की एक फिलॉसफी है, उसके ऊपर हम चलेंगे। जितनी भी हमारी स्कूल हैं, अस्पताल हैं, मोहल्ला क्लिनिक है, बस में फ्री यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, इन सब का लाभ सबसे ज़्यादा अगर किसी को मिलता है तो वंचित समाज को मिलता है, हमारे दलित समाज को मिलता है। पार्टी के हर कार्यालय में, हर मंत्री के दफ्तर में, हर ऑफिस में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाई जाती है। यहाँ तक कि पाठ्यक्रम के अंदर हमने बाबा साहब अम्बेडकर की से जुड़ी हुई बातों को डाला है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। आप देखिए, उनको एक स्क्रिप्ट दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो पढ़ रहे हैं वो पर्चा। अब वो जिस पर्चे में जो लिखा है वो बेचारे वही पढ़ेंगे, उनके पास और कोई चारा नहीं।